वाराणसी से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद की आंच अब दूसरे राज्य तक भी पहुंच रही है। ताजा मामला गोवा के सीएम से जुड़ा हुआ है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि अतीत में नष्ट किए गए सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में पुर्तगालियों द्वारा आक्रमण के समय नष्ट किए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजटीय आवंटन किया है। प्रमोद सावंत के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। सावंत ने यह भी कहा है कि गोवा राज्य सरकार में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और लोगों को गोवा के मंदिरों में आने के लिए प्रेरित कर रही है। आरएसएस के साप्ताहिक पत्रिका 5 जन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यहां आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में भाग लेते हुए गोवा के सीएम सावंत ने ये बातें कही। गौरतलब है कि 16 मई को जब हिंदू याचिकाकर्ताओं और प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग पाया गया है, तो वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने जिला प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उस जगह को सील करने का निर्देश दिया था। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रवक्ता ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वो वास्तव में एक फव्वारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।